हमारे साथ आज के हमारे फॉर्मूला गुरु वीके नेगी जी मौजूद हैं। नेगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज से हम एक नए तरीके से फॉर्मूला तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये नया फॉर्मेट और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है एंड आई थिंक इसमें जितने भी आपके दर्शक हैं उनकी सारी क्वेरीज आपने एड्रेस करने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के जो 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके उत्तर आप ही को देने हैं और हम विस्तार से करके उसमें परत दर परत सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिए के लिहाज से अभी आप बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं, उसके बाद विस्तार पूर्वक चर्चा पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर हम करने वाले हैं। देखिए सर, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो हम बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हैं और हमारी जो अंडरटोन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरी दुनिया इस समय इन्फ्लेशन से जूझ रही है लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। पूरी दुनिया में कंपनीज के रिजल्ट्स नेगेटिव जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ओवरऑल सिचुएशन इन्फ्लेशन को लेकर, जो क्रूड ऑयल की सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। तो हमें ये लगता है कि इंडियन मार्केट बहुत वेल प्लेस्ड है, हमने आउट परफॉर्म किया है पास्ट में और आगे भी हम आउट परफॉर्म करते रहे। तो आउट परफॉर्म करने की उम्मीद है, लेकिन अब लौटते हैं आज के फॉर्मेट पे, आज की थीम पर, जो थीम है पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। एक साल के निवेश के लिए पहला सवाल यही था जो हमने दर्शकों को बताया था कि क्या शेयर बाजार सही जगह है, खासतौर से इस वैल्यूएशन के ऊपर। क्या यहाँ से एक साल के लिए अगर हमें एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो इस संवत के लिए तो क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि जरा हम उदाहरण के लिए ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो बड़ी गिरावटें हैं, क्योंकि किसी साल हम देख रहे हैं कि 75% का रिटर्न यही बाजार निफ्टी दे रहा है, वही हम देख रहे हैं कोई कोई साल ऐसे भी रहे हैं जहां 50% से ज़्यादा, 2008 में हमने देखा कि 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2020 में 21% का रिटर्न देखने को मिला, 2014 के अंदर जब नई सरकार बनी थी तो हमने देखा था 30% से ज़्यादा, 31% का रिटर्न, लेकिन वहीं 2008 में 51%, 52% का निगेटिव रिटर्न, 2011 में 25% का रिटर्न। तो इस तरह के तमाम वो उदाहरण हैं, ये तो हमने 5 उदाहरण आपके सामने रखे। ऐसे में विवेक जी, आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या अभी इन वैल्यूएशन पर शेयर बाजार में एक साल के लिए पैसे लगाने पे पैसे बनेंगे, क्या आप कुछ सलाह आपकी रहेगी? देखिए सर, मार्केट में आप जब भी एंटर करते हैं ना, आप रिस्क तो कैरी करते हैं, रिस्क के बिना आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। और ये रिस्क अगर आपको एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है तो 20% का ऑन कैपिटल आप मानकर चल सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट। तो पहली चीज तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा एक 20% रिस्क के लिए। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इंडियन मार्केट बहुत वेल प्लेस्ड है लेकिन ग्लोबल लेवल पर कंसर्न बने हुए हैं, तो छोटे मोटे करेक्शंस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, वो ये रह सकती है कि 50% आप यहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए और बाकी का 50% के लिए डिक्लाइंस के वेट कीजिए। अगर यहां से 5% मार्केट नीचे आ जाता है, फर्दर 25% इन्वेस्ट कीजिए, और 10% अगर यहां से नीचे चल जाता है तो बैलेंस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बेहतरीन रह सकती है आपके लिए। निफ्टी का जो हमारा लक्ष्य है आने वाले साल का, वो निकल कर आता है 21,500 का ऑन द अपसाइड। तो चलिए, यहाँ पर सलाह ये है कि अभी अगर आप पैसे लगाना चाह रहे हैं 50% अभी लगाइए, उसके अलावा 5% गिरता है तो एक अमाउंट लगाइए, और आखिर में जो है अगर 10% तक की गिरावट आती है तो फिर आपको बाकी बचे हुए पैसे अपने लगाने चाहिए। यानी 1,00,000 रुपए है तो 50,000 रुपये आप अभी लगा सकते हैं, बाजार में किन कारणवश गिरावट आती है तो फिर 5% तक की गिरावट पर आप निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि अगर 1,00,000 रुपये लगाने हैं तो कब कब कितने कितने लगाने हैं, और रिस्क फैक्टर शेयर बाजार में अगर आप सीधे निवेश कर रहे हैं तो वो हमेशा आपको कैरी करना चाहिए। लेकिन अगर पैसे लगाने का ये वक्त है, अगर 50% भी अभी लगाने हैं तो लगाएं कहाँ, किस तरह के सेक्टर या शेयरों का चयन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह के सेक्टर्स, क्योंकि बाजार पे हम ओवरऑल रिटर्न देखते हैं तो काफ़ी कई बार अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। इस महीने ही हमने देखा 5% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन IT जैसी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर निराशा देखने को मिली कमज़ोर रुपये के बावजूद। सेक्टर चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें और कौन से सेक्टर आपको आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, विवेक जी? देखिए, मैंने सबसे पहली चीज कही कि ग्लोबल लेवल पर रिस्क बना हुआ है, डोमेस्टिक फ्रंट पर हम बहुत मजबूत हैं, तो हमें जो सेक्टर चूज करने हैं वो भी इस तरीके के चूज करने हैं जिनका मैक्सिमम बिजनेस डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है, जो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उनमें एक सबसे स्ट्रांग सेक्टर जो हमें नजर आता है वो आता है बैंकिंग का। बैंकिंग, देखिए, डिजिटाइजेशन जब से हुआ है
बैंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि काम बढ़ गया है और उनका जो इन मनी फ्लो है वो काफी बढ़ गया है और उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक काफी बेहतरीन हो गई है। दूसरा, एनपीएस काफी अच्छे से कंट्रोल हुए हैं। जो कोरोना के बाद डर बना हुआ था कि एनपीएस बढ़ जाएंगे, वो काफी अच्छे से कंट्रोल किए हैं बैंकिंग सेक्टर ने, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि यहां से फर्दर री रेटिंग की संभावना बनती है काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में। पीएसयू में भी आप देख लें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने भी काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें बहुत पसंद है, रीजन बीइंग अगर आप नितिन गडकरी साहब के बयान सुनते हैं तो उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में और फर्दर बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। रिसेंटली लॉजिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, तो जब जब बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं किसी सेक्टर के अंदर वहां हमें बहुत अच्छी री रेटिंग्स देखने को मिली है, तो लॉजिस्टिक्स आप अपने सेक्टर में रख सकते हैं। डिफेंस पर गवर्नमेंट का काफी कंसर्न बना हुआ है, डिफेंस को लेकर काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। रिसेंटली काफी बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी डिफेंस कंपनीज को, इंडिया कंपनीज को मिल रहे हैं, तो डिफेंस शेयरों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की है वो बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, इस पर एक जो है काउंटर क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरे सवाल पर जाएंगे कि आपने बता दिए बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, डिफेंस, कंजम्पशन, ये तमाम जो आपने सेक्टर बताए हैं, अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करें, शेयर में आपसे आखिर में पूछूंगा कुछ पसंदीदा आपके शेयर, लेकिन अगर इनको हम एक पोर्टफोलियो बनाते समय अगर हमें परसेंटेज डिवाइड करना हो, सबसे ज़्यादा बुलिश कितने फीसद हिस्सा कहाँ कहाँ निवेश करने की सलाह आपकी रहेगी? सब में बराबर रखें या सबसे ज़्यादा बुलिश किस पर हैं? कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, बैंकिंग की या इंफ्रास्ट्रक्चर की या डिफेंस की, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा बायस्ड होना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन आप एक ही सेक्टर में अपना 50% इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी गलत हो जाती है। तो हमें लगता है कि यस, बैंकिंग को लेकर हम थोड़ा सा बायस्ड हैं और बैंकिंग सेक्टर यहाँ से ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो बैंकिंग में आप 20-25% का निवेश रख सकते हैं, बाकी सभी सेक्टर्स में 15% ईच में आप निवेश कर सकते हैं। तो बाकी आप सेक्टर्स में 15-15% और बैंकिंग पे थोड़ा ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं विवेक जी, तो वहां पर आप निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन बैंकिंग में कौन से शेयर चुने, बाकी में कौन से शेयर चुने, ये कार्यक्रम आखिरी तक देखिए तो इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब जो स्टोरीज हम देख रहे हैं कि आईपीओ की स्टोरी चली और सब आम लोगों को लग रहा था कि जहां पैसे लगाइए और तुरंत लिस्टिंग पे पैसे बन रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज ऐसी रही कि यहां पे मतलब हम देखते हैं कि काफ़ी लोग बुलिश रहते हैं, कुछ ना कोई खबर आती है और शेयर टूटने लगता है। महत्वपूर्ण सवाल यह, कब निकले अगर शेयर टूट रहा है तो? कोई ऐसा कोई रूल है, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है कि नहीं इतने फीसद की अगर गिरावट आ जाए तो फिर निकल जाए? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कार्यक्रम देखते हैं, कई बार सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अब मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पर नायका का मैं चाहूँगा कि चार्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि वहाँ पर अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो उसे मिला क्या? 2500 से गिरते 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 अब हम देख रहे हैं कि 1000 के नीचे आ गया है शेयर। ऐसे निवेशकों के लिए क्या सलाह रही, क्योंकि उनका फिर भरोसा टूटता है और नए निवेशक बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं डीमैट अकाउंट के, अगर हम नंबर देखें तो क्या सजेशन रहेगा, क्या फॉर्मूला सजेस्ट करेंगे, कब निकले अगर शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो? देखिए सर, इसमें सबसे अच्छा तरीका तो ये रहता है कि किसी टेक्निकल एनालिस्ट से आप सलाह लें और वो आपको बहुत अच्छे लेवल्स निकाल के दे सकते हैं। उसमें बहुत तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, फिबोनाची सीरीज है, पिवट पॉइंट कैलकुलेशंस हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालने के तरीके हैं, एवरेजेस के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो किसी टेक्निकल एनालिस्ट की सलाह लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे स्टॉप लॉस और काफी पास के स्टॉप लॉस आपको निकाल के दे सकते हैं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि जब स्टॉक अपने हाई से 15% नीचे आ गया तो आप ये मान लीजिए कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है और 15% नीचे आ चुका है, तो ये 15 का 25 भी हो सकता है और 40% तक भी डाउनफॉल यहां से हो सकता है, तो वहां से एक निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आइडियली 15% स्टॉप लॉस इज बिग एनफ फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप रेगुलरली खरीदते बेचते हैं तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ से शेयर में कहाँ पे रुकावट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, सहारा कहाँ मिल रहा है, इन लेवल्स को जाने, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, इसको समझे अपने टेक्निकल एनालिस्ट के साथ। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हैं और आप एक बार निवेश करके भूल जाना चाहते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने उच्चतम स्तर से अगर 15% से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई कंसर्न है या फिर हो सकता है ओवरऑल बाजार की सिचुएशन अभी बेरिश मोड देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर अपना नुकसान एक बार बुक कर लें, फिर अपॉर्चुनिटी जहाँ दिखे तो आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसके ठीक विपरीत,
कि जब शेयर चलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये शेयर पता नहीं कब तक जाएगा, लोग उसमें ऐड भी करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने अदानी की चाल देखी और एक तरफा चाल देखने को मिली। अदानी पोर्ट का अगर उदाहरण ले तो हमने देखा कि वो एक तरफा 1000 रुपये तक गया और लोगों को लग रहा था, और सडन हमने देखा, आप देख सकते हैं कि जून मई जून के आसपास फिर ये 600 के आसपास भी आ गया, दोबारा रिकवरी आई इसमें 800 के आसपास, वोलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिल रही है। रिटर्न बने हैं लोगों के, अच्छे खासे रिटर्न बने हैं, लेकिन रिटर्न बनते बुक कहाँ करें मुनाफा, ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर में वो मुनाफा खाली कागज़ पर रह जाए, ये कितना सही मान रहे हैं आप और किन लेवल्स पे निकलना चाहिए, कितने फीसद रिटर्न के बाद निकलना चाहिए? सर इसमें दो तरीके होते हैं। तरीका एक तो ये होता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दिए, स्टॉक डबल हो गया आपके रेट से, तो आप उसमें 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो आपकी कॉस्ट बाहर आ जाती है उससे, और बाकी के 50% को आप चाहें तो लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपने अपनी कॉस्ट वहां से रिकवर कर ली। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉर्मूला फॉलो करें, उसमें अगर 10% की गिरावट कहीं से भी आ जाती है ऑन क्लोजिंग बेसिस, आपको क्लोजिंग देखनी है क्योंकि इंट्राडे में काफी मूव्स होते हैं तो उनको थोड़ा अवॉइड करना होगा, क्लोजिंग बेसिस अगर 10% की गिरावट स्टॉक के अंदर आ जाती है तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। महत्वपूर्ण सलाह आपकी तरफ से, विवेक जी की तरफ से दी गई है यहाँ पे। एक तो ये कि अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल गए, जैसे अदानी पोर्ट या अदानी ग्रुप के बाकी शेयरों की तरह, अगर आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहे हैं तो आधे प्रॉफिट बुक कर लिए, कम से कम आपकी लागत तो सुरक्षित हो गई, बाकी में आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आज शेयर किसी भाव पे बंद हुआ और अगले दिन जो है 10% से ज़्यादा गिरता है, तो फिर वहाँ पे आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपको आपके पैसे सुरक्षित रहें, उसका मतलब कुछ कंसर्न हो सकते हैं, वहाँ पे आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि अब मान लीजिए कि आज हम पोर्टफोलियो पे चर्चा कर रहे हैं, सेक्टर हमने बता दिए लोगों को और शेयर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं अगर, लेकिन उसके बावजूद क्या किसी व्यक्ति को उसके बाद फिर क्या देखना, अखबार पढ़ना और टीवी देखना या खबरें देखना बंद कर देनी चाहिए? कौन कौन से वो आंकड़े हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो रिस्क फैक्टर जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि शेयर बाजार में पैसे लगे हैं तो रिस्क रहता है, तो कौन से आंकड़ों पर नज़र रखें, किस तरह की खबरों पर नज़र रखें? GDP के नंबर्स आते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं, ब्याज दरों का दौर जैसे अभी हम देख रहे हैं, इसके अलावा RBI की मिनट्स पॉलिसी जो आती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, इन सब में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इन पे नज़र बनानी चाहिए, और अगर ये आंकड़े ख़राब हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं तो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज करना चाहिए? बिल्कुल जी, एक हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में एक हमारा मेथड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं EIC फ्रेमवर्क। EIC क्या है कि इकोनॉमिक एनालिसिस सबसे पहले, फिर I मीन्स इंडस्ट्री एनालिसिस एंड C मीन्स कंपनी एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा क्योंकि ब्रॉड बेस मार्केट जो अफेक्ट होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से होती है, और ये समय समय पर बदलता रहता है। जैसे पीछे आप देखें तो क्रूड ऑयल कोरोना के टाइम पे काफी नीचे चला गया था और फिर वहां से रिकवरी देना शुरू किया तो उसमें काफी तेजी आई, तो क्रूड ऑयल सबके लिए कंसर्न बन गया। उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो वो वॉर सबके लिए कंसर्न बन गई, फिर उसके बाद US में इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन सबके लिए कंसर्न बन गया। तो इकोनॉमिक डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो हमें लगता है कि इकोनॉमिक डेटा पर नजर बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जो बड़े इवेंट्स होते हैं। देखिए मंथली बहुत ज्यादा इवेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 2 या 3 इवेंट्स होते हैं जिन पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। तो अगर इकोनॉमिक इवेंट्स पर नजर बनाए रखेंगे तो आप इससे अपडेटेड रह सकते हैं कि अंडरटोन जो है मार्केट की वो किस तरीके की है इस समय। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबली अभी अंडरटोन खराब चल रही है, डोमेस्टिकली हम काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं और ये इन्हीं फैक्टर से पता लगता है। जैसे क्रूड ऑयल देखिए अभी एक रेंज में बना हुआ है तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इम्पोर्ट बिल हमारे काफी अफेक्टेड होते हैं क्रूड ऑयल की वजह से। दूसरा इन्फ्लेशन की सिचुएशन आप देखते हैं ग्लोबली काफी खराब है, हमारे यहाँ अच्छी बनी हुई है। तो जब आप इस तरह का डेटा स्टडी करते हैं तो आपको ओवरऑल मार्केट की जो पिक्चर है वो सामने आ जाती है कि मार्केट हमारा किस तरीके से परफॉर्म करेगा और ग्लोबल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपने ये बताया हमारे दर्शकों को कि ई आई और सी का, कि पहले आप इकोनॉमी पे नजर डालिए,
फिर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरें, क्योंकि पैसे आपके लगे हुए हैं, फिर उस कंपनी की फंडामेंटल्स क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर नज़र रखिए और आप पैसे लगा के भूलिए मत। अगले हमारे एक दर्शक जो है वो अगले सेगमेंट की तरफ हम जाएं, वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे हम जाने से पहले हम चाहेंगे कि चूंकि अब ये पोर्टफोलियो के सेगमेंट को हम क्लोज़ कर रहे हैं, जो भी आपने दो चार सेक्टर बताए हैं उनमें से अगर एक एक दो दो शेयर अगर आप हम बता दें अगर हमारे दर्शकों के लिए, तो फिर ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग का हमारा ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर समाप्त होगा, फिर हम दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो जब भी आप बिल्ड करते हैं ना, तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसमें कुछ स्टॉक ऐसे हों जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सके, जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स होते हैं। कुछ स्टॉक्स होने चाहिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो हाई रिस्क होते हैं, जिनको आप मल्टी बैगर स्टॉक्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमने चार पांच सेक्टर्स की बात की, इस समय बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक हमारी टॉप पिक है। रीजन बिंग, रिसेंटली सिटी बैंक का काफी बिजनेस उन्होंने टेक ओवर किया है, और सिटी बैंक प्रीमियम बैंकिंग के लिए जाना जाता था, तो काफी बड़ा बिजनेस उन्होंने वहां से टेक ओवर किया, तो एक्सिस बैंक इज ओवर फर्स्ट चॉइस। सेकंड, डिफेंस सेक्टर की हमने बात की, तो मजगांव डॉकयार्ड करके एक कंपनी है, शिपिंग का बिजनेस है, और काफी बड़े ऑर्डर्स इनके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अगर कंपनी को कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, तब भी इनके पास इतना काम है कि अपनी 80 से 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं। तो मजगांव डॉकयार्ड पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें, तो अल कार्गो लॉजिस्टिक्स हमें बहुत पसंद है, उसको आप देख सकते हैं। और कंजम्पशन की बात करें, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की लीडिंग कंपनी है, तो उसको एज ए डिफेंसिव स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। गिने चुने स्टॉक्स, 4-5 शेयर बताए गए हैं, उस पर आप नज़र बना करके चलिए। अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं वो आपको अब पता लग गया होगा। अब जरा हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, और ये सेगमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, और आपका भी कोई सवाल है तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज डालना है, FG यानी फॉर्मूला गुरु, सवाल लिखें, नाम और शहर का नाम लिखें, और हमें आपको भेज देना है 9311-21874 पर। लेकिन हाँ, सवाल थोड़ा विस्तार से लिखें ताकि आपके सवाल को हम सही तरीके से अपने एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकें, पूछ सकें। अपना नाम और शहर का नाम अवश्य लिखें, और अगर आप मेल कर रहे हैं तो money9query@tv9.com के जरिए आप हमें मेल के जरिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, मेल कर रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर जरूर भेज दें, ताकि अगर आपका सवाल अधूरा है तो हम आपसे संपर्क करके उससे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक और भी माध्यम हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। पहली दर्शक जुड़ चुकी है हमारे साथ, कंचन सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर से। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार कंचन जी, कैसी हैं आप और प्रश्न क्या है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं आपके चैनल को भेज रही हूँ। विपुल जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं जानना चाहती थी कि मैंने, मेरे पास JNK जम्मू कश्मीर बैंक के 200 शेयर हैं, जो कि मैंने 37 रुपए के रेट पर खरीदे थे। अच्छा, एक साल हो गया है इनको खरीदे हुए, और मैं होल्ड पर मैंने इसको रखा, ये काफी डाउन चला गया आप जैसा कि जान रहे हैं, और कुछ एक दिन से, एक दो कुछ मतलब मुझे लग रहा है 5-6 दिन से थोड़ा सा ये बढ़ा तो है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपके चैनल के माध्यम से कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसको होल्ड पर रखना चाहिए या फिर अभी मैं कोई नजरिया बनाया क्या आपने कि नहीं, मतलब इतने समय तक रुक सकते हैं, या कोई टारगेट सेट किया हो तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ये भाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल जी, मेरा टारगेट उस तरह का नहीं था, लेकिन मैं ये क्योंकि मैं इसको लगातार मैं डाउन पे जाते देख रही हूँ, तो मैं ये मुझे बस ये था कि मुझे कुछ प्रॉफिट मिले, मैं 3 साल इसको होल्ड कर सकती थी, लेकिन अभी मुझे अभी ये फिर से डाउट हो रहा है कि अभी तो ये आ रहा है, कहीं ये फिर से डाउन भी ना चला जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट वीके नेगी जी से। नेगी साहब, इनकी खरीद 37 रुपए के आसपास की है, और मिड कैप बैंकिंग ने, और खासतौर से PSU बैंकिंग ने बहुत निराश किया। लोग साल डेढ़ साल से खरीदारी करके छोटे मझोले शेयरों में बैठे हुए रहे, साल भर हो गए, चाहे वो यूको बैंक हो, JNK बैंक हो, और भी बहुत सारे बैंक, एकदम से अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सब में थोड़ी सी तेजी इस महीने में देखने को मिली है, क्या सलाह इनके लिए रहेंगी? क्योंकि एक साल मुझे लग रहा था इनकी बातचीत से कि इंतज़ार करके थक गई हैं, अभी इनको फिर डर लग रहा है नीचे ना चला जाए। क्या नीचे आने पर एवरेज करना चाहिए, या फिर इन लेवल्स पे क्या रणनीति सजेस्ट करेंगे कंचन जी को आप? देखिए सर, रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज देखकर ना कई बार मुझे थोड़ा सा असमंजस होती है कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पर है।
अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक को देखें और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता है परफॉर्मेंस वाइज। दूसरा, स्टॉक में कोई किसी भी तरह का ब्रेकआउट नहीं था और स्टॉक ना ही फंडामेंटली कहीं बहुत बड़ी इस तरह की कोई चीज दिखा रहा था जिसकी वजह से आप इसको बाय करते लास्ट ईयर। अभी अगर आप ब्रॉडली देखते हैं तो एक रेंज बनी हुई है स्टॉक में जो कि नीचे अराउंड 30-32 के लेवल पर है और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 40-42 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए जो कि क्रॉस करना इसके लिए काफी मुश्किल होगा और हमें लगता है कि वहां पर जाकर स्टॉक काफी समय बिताएगा और इसको एक बड़ा ट्रिगर चाहिए वो लेवल क्रॉस करने के लिए। अगर ये 44 का लेवल क्रॉस कर जाता है उसके बाद ये एक बाइंग लिस्ट का स्टॉक बन सकता है। उससे पहले मुझे ये लगता है कि ये रेंज बाउंड स्टॉक है, नीचे 32-34 है, ऊपर 42-44 के आसपास है और इस हिसाब से इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आपका ये एक सलाह क्या रहेगी, अभी ये मान लीजिए 37 पे इनकी खरीद है, अगर इनको 40 तक के भाव 41 तक के भाव मिले किसी भी अप मूव में तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 2-4 रुपए जो भी मिल रहे हैं, फिर बाद में जब 44 का स्तर क्रॉस करें फिर एंट्री करें? बिल्कुल 100% सर, इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इस बैंक से शिफ्ट होकर ICICI बैंक या एक्सिस बैंक में निवेश करना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है कंचन जी आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। यहाँ पर बहुत ठहराव अभी देखने को मिल सकता है, आप ऑलरेडी काफ़ी इंतजार कर चुकी हैं, तो अगर यहाँ पर 40-41 का स्तर, 42 का स्तर देखने को मिलता है वहाँ पर अपना मुनाफा बुक करें, 44 का स्तर टूटता है मजबूती के साथ फिर आप चाहें तो दोबारा एंट्री ले सकती हैं, वहाँ भी 7-8 रुपये का मूव आपको देखने को मिल सकता है। अवधेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से हैं अवधेश जी। अवधेश जी नमस्कार, अवधेश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अवधेश जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने ये 145 शेयर खरीद, मतलब 145 अशोक लीलैंड के शेयर खरीदे हैं 129 रुपए के भाव पर। अच्छा, तो किन स्तरों पर इसमें मुनाफा बुक करना चाहिए इसको लेके थोड़ा परेशान। अच्छा, परेशान मत होइए, लेकिन हाँ कितने, क्या कुछ नजरिया सोचा है आपने, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 1 साल तक का तो अभी सोच के रखा है क्योंकि इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक। ऑटो सेक्टर पे भी राय, ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे क्या राय देख रहे हैं यहाँ पर नेगी साहब, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड के शेयर में जानना चाह रहे हैं किन स्तरों पर निकलें, 129 की खरीद है अभी फिलहाल प्रॉफिट पे हैं। सर ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्टर है, रीजन बिंग देखिए हर कोई आज की डेट में गाड़ी खरीदना चाहता है, हर कोई अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाहता है। हालांकि अशोक लेलैंड कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर है और वहां पर भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि हमें इलेक्ट्रिक बसेस के नंबर्स बढ़ाने हैं और उसका रेशियो बढ़ाना है, तो उसके ऑर्डर अगर इंडिया में किसी कंपनी को जाते हैं तो वो दो ही कंपनीज है, या तो टाटा मोटर्स है या अशोक लेलैंड है। तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग दिखाई देती है, कंपनी के पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है और निश स्पेस के अंदर है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है इनके पास में। स्लो थोड़ा ग्रोथ रहेगा बट ओवरऑल काउंटर अच्छा है, डाउनसाइड लिमिटेड है और हमें लगता है कि अगर आप 1-2 साल का नजरिया बना के रखते हैं तो यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउनसाइड 135-136 एक अच्छा बेस बना हुआ है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जब तक 35-136 के ऊपर बना हुआ है इसको होल्ड करें और हमें लगता है कि अगर आपका 1 साल का नजरिया तो 175-180 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक साल के नजरिए में 180 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं।